मैं अभी योगेंद्र जी से अनुरोध करूंगा कि वो आपका स्मृति व्याख्यान प्रस्तुत करें। आज की इस सभा के अध्यक्ष आदरणीय रघुवीर भाई चौधरी जी, माननीय प्रत्युष दिवतिया जी, मंदाबेन, और यहाँ इस 19वें रामलाल पारिख जी की स्मृति व्याख्यान में आए हुए इस शहर के, गुजरात के सभी गणमान्य नागरिकों, जब मैंने इस व्याख्यान में पहले आए हुए वक्ताओं की सूची देखी, वो सौभाग्य से बाद में देखी, नहीं तो मैं डर के आता नहीं सूची देखी तो मुझे लगा कि ये मेरा बहुत सौभाग्य है कि आपने मुझे इस सम्मान के लिए चुना। मेरे लिए सौभाग्य है कि यहाँ गुजरात में इस विषय पे बोलने का अवसर मिल रहा है। केवल स्वर्गीय प्रोफेसर रामलाल पारेख की वजह से ही नहीं, लेकिन बहुत कुछ है इस प्रदेश में जो इसे शिक्षा के नवाचार से जोड़ता है। गांधी जी की नई तालीम से इसे हम जोड़ते हैं, मेरे जैसे लोग गिजू भाई से भी जोड़ते हैं, और गणेश देवी भले ही गुजराती न हो लेकिन उनका कर्मक्षेत्र यहाँ रहा है। इन सब के काम से जोड़ के मैं इस प्रदेश को देखता हूँ। गुजरात विद्यापीठ से लेके IIM और NID तक जो संस्थान बने हैं, जैसा आपने जिक्र किया, उस सब की वजह से बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है कि वो बात जिस पे मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ वो यहाँ कही जाए। और इससे सुंदर अवसर उसके लिए क्या मिल सकता था। मंदाबेन, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसके लिए। मेरी एक प्रिय पुस्तक है शिक्षा के प्रश्न पे, कृष्ण कुमार हैं शिक्षाविद, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है पॉलिटिकल एजेंडा ऑफ एजुकेशन, जिसमें वो ब्रिटिश काल से लेके राष्ट्रीय आंदोलन तक शिक्षा के सवाल पे क्या सोचा गया और शिक्षा का एजेंडा इस देश का क्या बना, कैसे बना, उस पर विचार करते हैं। पुस्तक की शुरुआत वो एक चिड़ियाघर से करते हैं। पहला पंक्ति पुस्तक का इस पे है कि दिल्ली के चिड़ियाघर में मैं देखता हूँ बच्चे आते हैं, भालू पे, जानवरों पे पत्थर मारते हैं और उनके शिक्षक अनमयस्क खड़े देखते रहते हैं, और वो कहते हैं कि अगर मुझसे पूछा जाए कि आज की हमारी शिक्षा व्यवस्था का दोष क्या है, तो मैं कहूँगा ये दोष है, बच्चे भालू पे पत्थर मार रहे हैं, शिक्षक खड़े हुए देख रहे हैं। ये बात आज से 20 साल 25 साल पहले लिखी गई थी। आज देश का विकास हो गया है, अब हम पत्थर नहीं मार रहे, हम मार रहे हैं, जान से मार रहे हैं, और शिक्षक नहीं पूरा देश देख रहा है, हम मार रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं, उसका वीडियो बना के देश के सामने प्रचारित कर रहे हैं। कल मैंने एक देखा वीडियो, किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कह रहे हैं बच्चों को, कुछ कोई कहे उसे मारो, वाइस चांसलर कह रहे हैं। इस देश की बड़ी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कहते हैं कि मैं यूनिवर्सिटी के अंदर टैंक रखूंगा, ये शिक्षा है। अगर मुझसे कोई पूछे कि हमारी शिक्षा व्यवस्था का क्या दोष है, तो मैं कहूंगा ये जो भीड़ आज इस देश में हमने बनाई है, ये भीड़ के लोग अनपढ़ नहीं है, हर एक की जेब में डिग्री है, हर कोई हमारी शिक्षा व्यवस्था से होके निकला है। अगर मुझसे कोई पूछे कि हमारी शिक्षा व्यवस्था का क्या दोष है, तो मैं कहूंगा ये दोष है, ये जो देश को भीड़ में हमने बनाया है, खाली डब्बों की भीड़, हर कोई शिक्षा व्यवस्था से निकला है,
किसी किस्म का ज्ञान, किसी किस्म का आत्मज्ञान, किसी किस्म की रिफ्लेक्सिविटी किसी को छू नहीं गई है। खाली डब्बे हैं, बज रहे हैं जोर जोर से, जो जितना खाली है उतना जोर से बजता है, वो डब्बे बज रहे हैं। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था का दोष है। और इसलिए मुझे लगा कि अगर सोचना चाहिए तो इस सवाल पे सोचना चाहिए, ऐसा क्यों? शिक्षा के भारतीयकरण के सवाल पे मैंने 4-5 साल पहले गंभीरता से सोचना शुरू किया, जब देश में अचानक कुछ संस्थाओं ने मांग की कि इस देश में शिक्षा का भारतीयकरण होना चाहिए। आई थिंक इट वॉज 2014-15। कुछ संस्थाएं आईं जिन्होंने कहा कि यह शिक्षा, विदेशी शिक्षा हमारे देश में पढ़ाई जा रही है, हमें इसका भारतीयकरण करना चाहिए। मुझे रुचि हुई, मैंने उसको थोड़ा फॉलो किया। जो ये बात कहने वाले थे वो मेरे विचार के लोग नहीं थे, कोई बात नहीं, लेकिन प्रश्न ही मुझे रुचिकर लगा। मैंने इस प्रश्न को थोड़ा सा फॉलो किया, लेकिन जैसा अक्सर इस देश में होता है, कुछ नहीं हुआ। शिक्षा के भारतीयकरण करने की बात करने वालों ने 2-4 बहुत सस्ती और निहायत घटिया किताबें बच्चों के ऊपर लाद दी। कोई एक किताब शायद गीता के बारे में थी, कोई एक किताब कुछ थी, 2-4 ऐसी उलझलूल किताबें लिख के, उलझलूल इसलिए कि विषय उलझलूल थे, इसलिए कि पेडागॉजी के लिहाज से बहुत ही उलझलूल किताबें थी। ये जो हम सोचते हैं कि बच्चा कोई मटका है जिसके अंदर, खाली मटका है जिसके अंदर जाके हमें कुछ डालना है, इससे वाहियात पेडागॉजी कोई हो नहीं सकती। तो उस पेडागॉजी के लिहाज से कुछ किताबें लिख दी गईं बच्चों के ऊपर, कहीं सिलेबस में जो सरकार स्वीकार करने को तैयार थी, तो उसमें बच्चों के ऊपर जहाँ इतना बोझ लादा जाता है, जहाँ इतनी बेकार चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, दो बेकार चीज़ें और लाद दी गई बच्चों पे, तो शिक्षा का भारतीयकरण हो गया, सब कुछ प्रसन्न थे, उसके बाद देश में कुछ हुआ नहीं। बीच बीच में हम सुनते हैं कि ये जो नई किताबें आई हैं NCERT की, बड़ी ख़राब हैं, इन्हें बदलना चाहिए। क्योंकि उनमें से कुछ किताबें मैंने लिखी थी, तो मैं 4 साल से देख रहा था कि अच्छा कौन सी किताबें बदलती हैं, कैसे बदलती हैं देखें। तो 5 साल हो गए, एक किताब नहीं बदली गई, एक भी किताब नहीं बदली गई। मैं किताबों के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि शिक्षा की भारतीयकरण की बहस चलाने वाले लोग कितने अगंभीर हैं। द शियर नॉन सीरियसनेस ऑफ द डिबेट ऑन इंडियनाइजेशन ऑफ एजुकेशन हैज स्ट्रक मी as one of the weakest aspects of our public culture. I mean, even the proponents are not serious. Those who go about every day saying constitution is foreign, education is foreign, we shall change it. I mean, they have no desire to change a thing so far. जाहिर है जब बहस चली तो इस देश के पढ़े लिखे, अंग्रेजी बोलने वाले, बड़े शहरों में रहने वाले लोगों ने कहा बकवास है, इससे कुछ नहीं होगा। सो उन्होंने इस बहस से एंगेज करने से ही इनकार कर दिया। एक दो टीवी चैनल ने इस पे थोड़ी सी चर्चा की, बहस वहीं ख़त्म हो गई, जैसा हिंदुस्तान में अक्सर होता है। मेरा आज प्रयास होगा कि इस माध्यम के, इस व्याख्यान के माध्यम से मैं इस प्रश्न को दोबारा जीवित करूं, क्योंकि ये गंभीर प्रश्न है। इसको उठाने वाले लोग गंभीर नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं कि प्रश्न गंभीर नहीं, ये बहुत बड़ा और गंभीर प्रश्न है। और इसलिए जब मुझे मंदाबेन ने कहा, बाकी साथियों ने कहा, विद्यापीठ में आया तो मुझसे कहा गया कि मैं इस व्याख्यान के लिए तैयार करूं। सो इसलिए मुझे लगा कि हाँ ये मौका है। और एक सौभाग्य जो हुआ, मैंने तब कहा कि रामलाल जी ने जो कुछ लिखा है आप मुझे भेजिएगा इस प्रश्न पर। इस बहाने मुझे कुछ पढ़ने का मौका मिला, नहीं तो ना मुझे उनसे मिलने का सौभाग्य था, ना उनके लिखे को उस वक्त पढ़ने का सौभाग्य था, क्योंकि एजुकेशन में उस वक्त, उन दिनों मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था उसके बारे में पढ़ने में। जब मैंने उनके लेख पढ़ने शुरू किए तो मुझे 4-5 थीम थे जो बार बार आए उनके लेखन में। पहला, इंटीग्रेशन, मन बुद्धि शरीर तीनों को इंटीग्रेट किया जाए, कॉग्निटिव डायमेंशन, मॉरल डायमेंशन एंड फिजिकल डायमेंशन, तीनों को एक साथ लाया जाए, इसके जरिए शिक्षा हो। दूसरा पक्ष,
जो सामुदायिक शिक्षा का था, जिसे एक्सटेंशन का उन्होंने नाम दे के उसको यूजीसी और सब में लाने की कोशिश की। बार बार शिक्षा केवल यूनिवर्सिटी विद्यालय के परिसर के भीतर ना रहे, उसके बाहर जो समाज है उससे जुड़े, ये आग्रह बार बार उनके लेखन में आता है। भाषा, हमारी भाषाओं में अध्ययन हो, अध्यापन हो, शिक्षण हो, ये आता है। और वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल का मतलब ये नहीं कि कोई अलग से आप बच्चों के लिए स्ट्रीम खोल दो, लेकिन सामान्य विद्यालय में, सामान्य महाविद्यालय में सब चीज़ों के साथ साथ उनको काम की शिक्षा, शारीरिक श्रम और उसके माध्यम से शिक्षा दी जाए। तो एक मायने में प्रोफेसर रामलाल पारिख ने गांधी जी की जो नई तालीम है उसको एक नए युग में उसका नवीनीकरण किया, उसको एक नई भाषा में ढाला, उसको नए संदर्भ में ढाला। उनके लेख पढ़ते पढ़ते गांधी जी की एक कोटेशन जो बार बार हम सब पढ़ते हैं वो पढ़ी, लेकिन उसमें एक लाइन है जो हम अक्सर मिस कर जाते हैं, मैं भी मिस कर गया था। तो वहां से मैं अपनी बात शुरू करता हूं। गांधी जी की बहुत फेमस कोटेशन है, I do not want my house to be walled on all sides and my windows to be stuffed. I want, सबसे ज्यादा कोट जो होता है सेंटेंस वो ये है, I want cultures of all lands to be blown about my house as freely as possible, but I refuse to be blown off my feet by any. आमतौर पर हम इस कोटेशन को यहां खत्म कर लेते हैं, मेरा ध्यान इससे अगली पंक्ति पे गया, I refuse to live in other people's houses as an interloper, a beggar or a slave. गांधी जी इतनी कड़ी भाषा कई बार इस्तेमाल कर सकते थे, वो याद दिलाते हैं कि संयमित होने के लिए आपको मध्यम मार्गी होने की जरूरत नहीं है, सच कई बार एक्सट्रीम पे होता है और उसे उसी भाषा में बोलना चाहिए। जस्ट लुक एट इट, I refuse to live in other people's houses as an interloper, a beggar or a slave. बहुत ध्यान से चुने हुए शब्द हैं तीनों, और मुझे महसूस होता है जिस घर को, जिस इमारत को हम इस देश की शिक्षा व्यवस्था कहते हैं, ये ठीक वही घर है जिसमें गांधी जी नहीं रहना चाहते थे। ये जो मकान है, भारत की शिक्षा व्यवस्था जिसे आज कहते हैं, जिसमें आज कोई 600-700 यूनिवर्सिटीज़ हो गई हैं, लाखों विद्यालय हैं, पूरा बड़ा विशाल तंत्र है, ये एक वही इमारत है जिसके लिए गांधी जी ने कहा था, आई डू नॉट वॉन्ट टू लिव इन समवन एल्सेस हाउस। और हम सब उस तंत्र में रहने वाले लोग ठीक वही हैं जो गांधी जी ने कहा था, स्लेव्स, बेगर्स, इंटरलोपर्स, गुलाम, भिखारी और घुसपैठिए। मैं देखता रहा, सोचता रहा, बहुत सोचता रहा इन तीन शब्दों पे, और मुझे बाद में मौका मिलता अपना लेखा इस आज के व्याख्यान का शीर्षक बदलने का, तो मैं शायद यही उसका शीर्षक रखता, स्लेव्स, बेगर्स एंड इंटरलोपर्स। यू नो, दिस इज व्हाट आवर एजुकेशन सिस्टम इज ऑल अबाउट। स्लेव्स, चूंकि हम सोच नहीं सकते कि यूरोप अमेरिका में जो शिक्षा व्यवस्था आई उसके अलावा कुछ और, उसकी नकल के अलावा कुछ भी संभव है, सिर्फ शिक्षा व्यवस्था में नहीं, हम अर्थशास्त्र में भी नहीं सोच सकते, हम कृषि में भी नहीं सोच सकते, अंतिम तर्क हमारे सबसे बड़े से बड़े अर्थशास्त्री का होता है, लेकिन यूरोप में तो ऐसा ही हुआ था, ये अंतिम तर्क है, इससे बाद आप तर्क नहीं कर सकते। स्लेव्स, दिमाग की गुलामी दुनिया की सबसे बड़ी गुलामी है, शरीर की गुलामी तो छोटी बात होती है। बेगर्स, दिन रात हम कटोरा लिए खड़े रहते हैं, अब वहां से क्या बरसेगा। और तो और, पश्चिम की आलोचना कब करनी चाहिए और कैसी करनी चाहिए वो भी हमें अमेरिका की यूनिवर्सिटी बताती है, पोस्ट कॉलोनियलिज्म भी हम वहां से सीखते हैं, भारत से नहीं आता वो भी। इंटरलोपर्स, घुसपैठिए, साहब लोग कमरे में बात कर रहे हैं, कहीं खिड़की से, रोशनदान से हम भी अपनी एक आवाज़ उसमें घुसा दें,
हमारे बड़े से बड़े इंटेलेक्चुअल की यही एक अंतिम कामना होती है कि उस चर्चा में मेरा भी एक सेंटेंस कहीं आ जाए, मैं घुसपैठिया बन जाऊं उस चर्चा के अंदर। हमारा ज्ञान का तंत्र इन तीन शब्दों में समाया हुआ है और इससे हम कैसे मुक्त हों, इस पे चर्चा होनी जरूरी है। क्योंकि हमारे देश में शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था पे चर्चा केवल इस बात पे सिमट जाती है कितने स्कूल हों, कितना एनरोलमेंट हो, कितनी यूनिवर्सिटीज़ बने, यूनिवर्सिटी को कितना फंड मिले और उस फंड का बंटवारा कैसे हो, बच्चों को स्कूलों में प्रवेश कैसे मिले। इतनी सब चर्चा करते करते हम थक जाते हैं और शिक्षा में पढ़ाना क्या चाहिए इसके लिए हमारे पास समय नहीं बचता, तब तक हमारा समय समाप्त हो चुका होता है, देश आगे बढ़ जाता है। लेकिन आज जरूरत है इस सवाल पे सोचने की, व्हाट इज वर्थ टीचिंग, व्हाट शुड बी द कंटेंट ऑफ एजुकेशन, व्हाट शुड बी द पेडागॉजी ऑफ एजुकेशन, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। इन सवालों पे आज इस देश में 100 साल पहले चर्चा होती थी, आज हमें लगता है चर्चा की जरूरत नहीं। इसलिए नहीं कि हमने इन सवालों को सुलझा लिया है, बल्कि इसलिए कि इन सवालों को बाईपास कर दिया हमने। इसलिए शिक्षा का भारतीयकरण मेरे लिए एक बहाना है इन सवालों पे चर्चा को दोबारा खोलने का। शिक्षा के भारतीयकरण के दो अर्थ हो सकते हैं, एक बहुत स्थूल जिससे हमें बचना चाहिए, एक बहुत गहरा जो हमें अपनाना चाहिए। बचना किससे चाहिए? जिस अर्थ में 4 साल पहले इस देश में शिक्षा के भारतीयकरण की बात हुई, उससे तो भगवान बचाए। क्या था वो शिक्षा का भारतीयकरण? दो अर्थ में होता है, एक तो ये कि शिक्षा का भारतीयकरण होना चाहिए क्योंकि हम जगत गुरु हैं, हमने पूरी दुनिया को शिक्षा सिखाई है। मैं 2-3 चीज़ें कहता हूँ भाई। एक तो किसी भी शिक्षित व्यक्ति को शोभा नहीं देता कि वो कहे कि मैंने सारी दुनिया को सिखाया है, ये आपके अशिक्षित होने की निशानी है अगर आप ऐसा कहते हैं। कम से कम ये बात तो जगत पे छोड़ दीजिए, मैं जगत गुरु हूँ, ये कहने का सौभाग्य दूसरों को दीजिए ना, खुद आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं। दूसरा, ये आप ठंडे दिमाग से सचमुच कह सकते हैं कि इस दुनिया को, सारी दुनिया को केवल और केवल भारत का ज्ञान लेना चाहिए? कितनी फुहड़ता है ये सोचने में। दूसरा एक अर्थ हो सकता है कि चलिए हम जगत गुरु नहीं हैं, लेकिन शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, हर दुनिया में, दुनिया के हर देश में शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। ये भी बहुत फूहड़ बात है। इस देश के राष्ट्रीय आंदोलन ने कभी नहीं कहा था कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। गांधी जी ने शिक्षा पे बहुत कहा, कभी नहीं कहा कि शिक्षा को राष्ट्र की चार दीवारी में कैद करना चाहिए। टैगोर ने कभी नहीं कहा। लाला लाजपत राय ने नेशनल एजुकेशन पे किताब लिखी, मुझे लगा शायद लाला जी ने जरूर ये बात कही होगी। लाला लाजपत राय जॉन ड्यूई से सीख रहे हैं, वो राष्ट्रीयकरण की बात नहीं कर रहे। शिक्षा और ज्ञान को राजनीतिक बाउंड्री से बांधने की कोशिश करना, इससे ज़्यादा फूहड़ बात दुनिया में कोई हो नहीं सकती। और अगर शिक्षा को हम राष्ट्रीय, ज्ञान और शिक्षा को हम राष्ट्र की चार दीवारी से बांधना चाहते हैं, तो अपने ज्ञान को लिखने के लिए जिस कागज़ का हम प्रयोग करते हैं वो कागज़ हमारे पास नहीं होगा। दुनिया के पास जीरो नहीं होगी, हमारे पास कागज़ नहीं होगा, है ना। हम क्या ऐसी दुनिया में जीना चाहते हैं? तो ये तो दो बहुत ही फूहड़ किस्म के अर्थ हैं। दीज आर एब्सोल्युटली वल्गर वेज ऑफ लुकिंग एट, वल्गर शैलो वेज ऑफ लुकिंग एट इंडियनाइजेशन ऑफ एजुकेशन। बट देर इज़ ए डीपर वे ऑफ थिंकिंग अबाउट इंडियनाइजेशन ऑफ एजुकेशन। दैट्स वॉट आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन टू, दैट्स वॉट वी नीड टू गो टूवर्ड्स। भारतीयकरण का एक सूक्ष्म और गहरा अर्थ है। सूक्ष्म और गहरा अर्थ दो मायने में है। एक ये कि पूरी दुनिया में ज्ञान क्या है, उसमें पूरी दुनिया ने कंट्रीब्यूट किया है, पूरी दुनिया ने किया है, हमने भी कुछ किया है, अंशदान हमारा भी है। और ये जो पिछले 200-300 साल की परंपरा है कि दुनिया के एक छोटे से टुकड़े, यूरोप अंततः एक छोटा सा टुकड़ा है, और पिछले 1.5-2 साल से पूरी दुनिया को, जिसको कहते हैं ना टेल वैगिंग द डॉग, जो पूंछ है पूरे कुत्ते को हिला रही है, कुत्ता पूंछ को नहीं हिला रहा, पिछले 250 साल से पूंछ कुत्ते को हिला रही है,
इतना, ये दुनिया का एक छोटा सा टुकड़ा है जो कह रहा है कि जो कुछ मैंने पिछले 300-400 साल में हासिल किया, पूरी दुनिया को उस रंग में रंग दो। उसे बदलने के लिए दुनिया में जिन जगह पे प्रयास हुए, भारत उनमें से एक जगह थी। भारत हुआ, साउथ अफ्रीका हुआ, यहाँ बहुत गंभीर डीकॉलोनाइजेशन की कोशिश हुई ज्ञान की। भारत महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है कि हम कोई जगत गुरु हैं, बल्कि इसलिए कि ज्ञान के औपनिवेशीकरण को रोकने की कोशिश दुनिया के जिन चंद हिस्सों में गंभीर रूप से हुई, संयोगवश हम उनमें से एक हिस्से में रहते हैं। इस लिहाज से भारतीयकरण एक गंभीर मुद्दा है। और दूसरा, शिक्षा को राष्ट्रीय बाउंड्री में बांधने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन शिक्षा हमेशा स्थानीय संदर्भ से जुड़ी होनी चाहिए। वो शिक्षा जो आपको अमूर्त किस्म की शिक्षा देती है, वो शिक्षा नहीं है, उससे कोई सीखता नहीं है। और दुनिया में जितना भी अमूर्त ज्ञान बांटा जाता है, कम से कम सोशल साइंस के बारे में मैं कह सकता हूँ जिसे थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, दुनिया में जितने भी अमूर्त सिद्धांत एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स सिखाए जाते हैं, उन सब के ब्रैकेट में यूरोप लिखा होता है। क्योंकि ये जो यूनिवर्सल प्रिटेंड करता है अपने आप को, यूनिवर्सल नहीं है, वो यूरोप का एक्सटेंशन है। और इसलिए ब्रैकेट में लिखे हुए यूरोप को अगर आपको मिटाना है, तो दुनिया में ज्ञान हमेशा जो आँख के सामने समस्या है उसको सुलझाने से ज्ञान बढ़ता है। और ये जो हिंदुस्तान का बुद्धिजीवी सोचता है कि वो पता नहीं कहाँ किसी अमूर्त दुनिया में है, सोसाइटी, स्टेट, ह्यूमन बीइंग्स पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसे जानने की ज़रूरत है कि यूरोप की जो मॉडर्निटी थी वो किसी अमूर्त चिंतन का परिणाम नहीं थी। यूरोप की मॉडर्निटी अपने समय, उस समय के यूरोप की जो अभूतपूर्व स्थिति थी, उसकी कुछ बिल्कुल अभूतपूर्व समस्याओं को सुलझाने की कोशिश थी। उससे वो जो पैदा हुआ, उसे हम आज मॉडर्निटी के रूप में जानते हैं। ये मॉडर्निटी ना तो नकल से बनती है, ना दुनिया की किसी अमूर्त चीज़ों को पकड़ने से बनती है। ये किसी मूर्त हमारी आँख के सामने जो गंभीर चीज़ है उसको देखने और उसके नए समाधान करने से बनती है। इसलिए ज्ञान और शिक्षा को हमेशा स्थानीयता में रहना पड़ेगा। सो द सेकेंड मीनिंग ऑफ इंडियनाइजेशन वुड बी दैट नॉलेज हैज़ टू बी नॉलेज, नॉलेज एक्विजिशन एंड एजुकेशन हैज़ टू बी डीपली एंकर्ड इन द लोकल, इन रियल कॉन्टेक्स्ट। नॉलेज एंड एजुकेशन हैज़ टू बी कॉन्टेक्स्ट बाउंड, एंड इट इज़ ओनली वेन यू डीपली रिफ्लेक्ट ऑन समथिंग विच इज़ कॉन्टेक्चुअल, विच इज़ हियर एंड नाउ, that you come up with some abstract principles. It is from bottom upwards. It's never top down. इन दो अर्थों में भारतीयकरण की जरूरत है, बेहद जरूरत है। सो बाकी समय में मैं इसके चार पक्ष पे ध्यान दूंगा। जब हम भारतीयकरण की बात करते हैं तो भारतीयकरण का मतलब क्या, शिक्षा के चार पक्ष हैं जिस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, और उस पे एक एक करके मैं अपनी बात रखूँगा कि इसका भारतीयकरण कैसे हो सकता है, क्या करना चाहिए और भारतीयकरण का मतलब क्या होगा। पहला, हमारी संस्थागत तंत्र, शिक्षा का जो इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिस पे आमतौर पे बात होती रहती है देश में, वो। दूसरा, शिक्षण पद्धति, पेडागॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, कैसे पढ़ाएं, मेथड। तीसरा, विषय वस्तु, करिकुला, बच्चे को पढ़ाना क्या चाहिए, क्या विषय पढ़ें, कैसे पढ़ें। और चौथा, उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, एम्स ऑफ एजुकेशन। इन चारों विषयों पे दो दो मिनट हम सोचेंगे कि भारतीयकरण का मतलब क्या होना चाहिए, भारतीयकरण हो तो कैसे इस देश की शिक्षा व्यवस्था बदलेगी। पहला, जैसे मैंने कहा, सबसे सरल और परिचित विषय है संस्थागत तंत्र का, जिस पे आमतौर पे इस देश में बात होती रहती है। मैंने पहले भी कहा, शिक्षा की बात का मतलब है कितने स्कूल बने, कितने बच्चे जाएं, एनरोलमेंट रेशो क्या है, कॉलेज को पैसा कितना मिले, 6% जीडीपी का दिया जाए, नहीं दिया जाए, इत्यादि। शिक्षा की बहस आमतौर पे इस दीवार के अंदर ही होती है। ये सब शिक्षा के तंत्र का हिस्सा है, ये महत्वपूर्ण है, चूँकि
लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, इसलिए मैंने कहा सबसे पहले इसे निपटा दें, इस चर्चा को। यहाँ भारतीयकरण का मतलब क्या होगा? आज हमारा पूरा शिक्षा का जो तंत्र है नीचे से ऊपर तक, वो किसी और संदर्भ में बने हुए तंत्र की नकल करने की अधूरी और फूहड़ कोशिश है। मॉन्टेसरी से लेके रिसर्च यूनिवर्सिटी तक, मॉन्टेसरी जो कि यूरोप में शुरू हुई थी, और रिसर्च यूनिवर्सिटी जो कि आज का अमेरिकन मॉडल है, नीचे से ऊपर तक यूरोप नॉर्थ अमेरिका में शिक्षा का एक तंत्र विकसित हुआ है, और ले दे के हमें लगता है कि हमें उस तंत्र की नकल करने की ज़रूरत है। सीखना चाहिए, शिक्षा का मतलब है सीखना, सीखने का मतलब है अपने से बाहर किसी और से सीखना, तो सीखना ज़रूरी है। कोई तंत्र, कोई व्यवस्था, कोई विचार हमारे देश से मुझसे बाहर पैदा हुआ इसलिए मैं नहीं सीखूंगा, इसका मतलब मैं शिक्षा नहीं चाहता। लेकिन आँख मूंद के नकल करना जो हमारे यहाँ हो रहा है, उसने जो विकृति पैदा की है कि हमने एक ऐसा तंत्र बनाया है जो ना हमारी ज़रूरत के हिसाब से है, ना हमारी हमारी संसाधन के हिसाब से है, और अंततः हम वही करते हैं जो बहुत ही स्टैंडर्ड भारतीय फॉर्मूला है कि हम कोई बहुत सुंदर सा विचार लाते हैं, कहते हैं कि हाँ पूरे देश में तो नहीं हो सकता, अभी नहीं हो सकता, एक मैं मॉडल बना देता हूँ, फिर उसके बाद हम कहते हैं एक नहीं इसको चार कर दीजिए, ज़रूरत 4 लाख की है लेकिन हम 1-2, और फिर इस देश के बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े घरों के बच्चे सब उस 1 या 2 में एडजस्ट हो जाते हैं। उसके बाद हम कहते हैं हाँ कोशिश तो करेंगे, बाकी देखिए होगा, धीरे धीरे होगा ना, एकदम कैसे कर सकते हैं। ये बात IIT पे लागू होती है, ये बात IIMs पे लागू होती है, ये बात हमारी JNU पे लागू होती है। आइलैंड मेंटेलिटी है हमारी, हम बस इस देश में कुछ टापू बनाना चाहते हैं, वो टापू जिसे विदेशी देख के आएँ, देखें और कहें आहा क्या बात है। दिल्ली में आप चाणक्यपुरी में घूम लीजिए, आपको कुछ क्षण के लिए आभास हो सकता है कि आप यूरोप के किसी जगह पर घूम रहे हैं। चंडीगढ़ शहर के कुछ हिस्सों में आप घूम लीजिए, आपको लगेगा कि ली कार्बुजिए ने अपनी पसंद का शहर बना ही डाला। और उसके बाद चंडीगढ़ शहर के बाहर क्या है, दिल्ली की बस्तियों में लोग कैसे बसते हैं, इसकी चिंता कुछ क्षण के लिए आपके मन से उतर जाती है। ये हमारा समाधान है, हम आइलैंड्स बनाते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। यही हमने किया है प्राइमरी एजुकेशन से लेके ऊपर तक। तो इस व्यवस्था की जो जो विकृति है मैं उसके बारे में नहीं कहूँगा, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ। आज का हमारी जो पूरी शिक्षा व्यवस्था है नीचे से ऊपर तक, वो एक काम कर रही है, उसका एक प्रिंसिपल फंक्शन है, और वो प्रिंसिपल फंक्शन जो है, यू नो व्हाट आर एजुकेशन सिस्टम करेंटली डिलीवर्स इज द फॉलोइंग। This is the principal mechanism through which inequalities are transferred from one generation to the other, most successfully in the most effective way. मोटी भाषा में कहूँ तो बड़े बाप का बेटा भी बड़ा ही बना रहेगा और छोटे घर का बच्चा किसी छोटी सी जगह पर लगेगा। ये सुनिश्चित करने के लिए डेमोक्रेसी में, देखिए तो कितनी अद्भुत बात है, कितना मुश्किल काम रहा होगा कि एक डेमोक्रेसी है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी देनी है, लेकिन ये ध्यान रखना कि बड़े बाप का बेटा अंत में बड़ा ही रहना चाहिए, है ना। और हमारी शिक्षा व्यवस्था इस अद्भुत और कितने कठिन काम को किस खूबसूरती से कर देती है। लोकतंत्र भी है, सब दरवाजे संस्थाओं के खुले भी हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं, और अंततः IAS ऑफिसर का बेटा IAS नहीं तो उससे 2 कदम ऊपर ही जाता है, और मेरे गाँव की दलित बेटी जो है वो अंततः लगभग वहीं के वहीं रह जाती है, पूरी लोकतांत्रिक खुली व्यवस्था के बाद। दिस इज द प्रिंसिपल फंक्शन बीइंग परफॉर्म्ड बाय आर एजुकेशन सिस्टम टुडे। लिख देते हैं बड़ी सुंदर सुंदर, क्या वो तमसोमा ज्योतिर्मय, ऐसी सुंदर सुंदर बातें सब जगह लिखी होती हैं, लेकिन इस तमाम शिक्षा व्यवस्था का ज्ञान से कोई संबंध नहीं है ना। इसलिए पहली बात जो करने की जरूरत है वो ये कि इसमें एक सबको शिक्षा, समान शिक्षा, सुलभ शिक्षा, ये तो करना होगा, इसके बिना कोई मतलब नहीं है। नहीं तो ये सिर्फ लोगों को
रोजगार तक पहुंचाने की सीढ़ी है और वो सीढ़ी जिसमें अदृश्य बंद दरवाजे हैं, है ना। हमारे साथी सतीश देशपांडे जो इस प्रश्न पे बहुत सुंदर लिखते रहे हैं, वो कहते हैं कि हम ड्रॉप आउट की बात करते हैं, वो कहते हैं ड्रॉप आउट कितना भद्दा शब्द है, जैसे कोई बस चल रही थी और मेरे को अच्छी नहीं लगी, मैं उससे उतर गया। ड्रॉप आउट नहीं होता, उन्होंने कहा एडुसाइड होती है हमारी शिक्षा व्यवस्था। ये हत्या हो रही है, उन बच्चों को बस से पकड़ पकड़ के बाहर फेंका जा रहा है, कोई बच्चा बस से उतर नहीं रहा है। देर इज़ नो ड्रॉप आउट इन इंडियन एजुकेशन, इट इज़ एडुसाइड एट एवरी स्टेज ऑफ आर एजुकेशन। मगर इस सवाल पे मैं पहले बहुत लिखता रहा हूँ, बोलता रहा हूँ, सामान्यतः बोलता हूँ तो इसी प्रश्न पे ही बोलता हूँ, इसलिए आज इस पे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि इस पे बोलना शुरू किया तो 2 घंटा लग जाएगा और सारी बात जो मैं कहना चाहता था वो अलग रह जाएगी, तो आप क्षमा कीजिएगा। लेकिन यहाँ मैं सिर्फ ये कहूँगा, यहाँ पे इंडियनाइजेशन का मतलब है डेमोक्रेटाइजेशन, भारतीयकरण का मतलब है लोकतांत्रिकरण, शिक्षा व्यवस्था का लोकतांत्रिकरण करना, ताकि सबको शिक्षा, समान शिक्षा, सुलभ शिक्षा मिल सके। इसकी बाकी बात मैं अभी छोड़ देता हूँ। दूसरा सवाल है, जैसे मैंने कहा आज मुझे मौका मिला है कुछ दूसरी चीज़ों पर बात करने का, तो मैं उस पर थोड़ा ज़्यादा बोलना चाहूँगा। दूसरा सवाल है शिक्षण पद्धति का, पेडागॉजी का, कैसे पढ़ाएं, उसमें हमारे पास क्या है, भारतीयकरण का क्या मतलब होगा। 2 शब्द बार बार आते हैं, गुरु शिष्य परंपरा और स्मृति और श्रुति, ये हमारी परंपरा रही है पढ़ाने की। मगर इन दोनों को हमें प्रश्न करना चाहिए, गुरु शिष्य परंपरा की प्रासंगिकता बची है लेकिन उस अर्थ में नहीं जिस अर्थ में वो थी। गुरु शिष्य परंपरा एकलव्य के जमाने से आज तक सामंती किस्म के शोषण का माध्यम भी बनी है। गुरु शिष्य परंपरा शिक्षा से लोगों को बाहर रखने का माध्यम भी बनी है, ये तो नहीं हो सकता। और श्रुति और स्मृति पर जो आधारित हमारी परंपरा थी, जो बाद में रट्टाखोरी के अंदर परिवर्तित हो गई, जब से छापे खाने का आविष्कार हुआ 500-700 साल पहले, और आज जब डिजिटाइज हर चीज़ को किया जा सकता है, डिजिटाइजेशन के बाद स्मृति और श्रुति की परंपरा का क्या महत्व बचा है, इस पर हमें सोचना चाहिए। मैं नहीं कहता कि महत्व नहीं बचा, लेकिन उस अर्थ में कतई नहीं बचा जिस अर्थ में कहा जाता था। तो भारतीयकरण का मतलब ये दो नहीं हो सकता मुख्यतः। तो फिर भारतीयकरण का क्या मतलब होगा पेडागोजी में, मुझे 2 बात ध्यान आती हैं। पहला तो बड़ा साधारण है, हम सबको पता है, लेकिन चुपचाप से वो बात कहीं फिसल गई है, ख़त्म हो गई है, भाषा का सवाल, जिसे पारिक जी भी उठाते थे, हमारे साथी गणेश देवी भी उठाते हैं, जिसको उठाने वाले अब इस देश में थक गए हैं और कहते हैं कि अब कुछ होगा नहीं। आज अंग्रेज़ी का बोलबाला है, अंग्रेजी भाषा का बोलबाला सिर्फ होता तो मुझे दिक्कत नहीं थी। अंग्रेजी भाषा एक खिड़की हो सकती है बहुत लोगों से जुड़ने की, आप में भी कई लोगों से बात करते समय अंग्रेजी एक अच्छा माध्यम हो सकती है, और दुनिया में किसी से बात करने का, संवाद का कोई अगर पुल बन सकता है तो क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाए। अंग्रेजी हमारे लिए एक पुल बन सकता है स्पेनिश के लिटरेचर को पढ़ने के लिए, मार्केज़ की बात को, इतने सुंदर जो स्पेनिश में लिटरेचर लिखा गया है, मैं उसे अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ सकता हूँ, क्यों ना पढ़ूँ। लेकिन ये जो बीमारी हमारे देश में है, हम सिर्फ अंग्रेजी नहीं चाहते, हम अंग्रेजियत चाहते हैं, हम इंग्लिश मीडियम में ज्ञान लेना चाहते हैं, इतनी बड़ी बीमारी दुनिया के किसी और हिस्से ने पाली हो मुझे पता नहीं। ये शुद्ध औपनिवेशीकरण का हिस्सा है। भारत का हर बच्चा अंग्रेजी सीखे, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं अब चाहता हूं कि भारत का हर बच्चा अंग्रेजी सीखे, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम में ज्योग्राफी पढ़े, वो इंग्लिश मीडियम में अपना इतिहास पढ़े, इंग्लिश मीडियम में साइंस पढ़े। दुनिया की कौन सी कॉग्निटिव साइकोलॉजी ये बात कहती है, मैं उसे पढ़ना चाहता हूँ। दुनिया का कौन भाषा और साइकोलॉजी का विद्वान कहता है कि आपकी माँ तुलु बोलती है, कन्नड़ भी नहीं बोलती, तुलु बोलती है, और आप अंग्रेजी में जाके अपने इतिहास पढ़ेंगे, कहाँ होता है? किस अंग्रेज़ ने चाइनीज़ भाषा में अपने बच्चों को अपना इतिहास पढ़ाया था? नहीं पढ़ाया ना?
इस किस्म की हिंसा, ये तो कॉग्निटिव वॉयलेंस है, ये तो हिंसा है हमारे दिमाग के साथ हो रही है। सिर्फ वो नहीं हो रहा जो मैं कह रहा हूं, आज मैं देखता हूं गांव गांव में इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल गए हैं, सब लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से निकाल निकाल के सुबह सुबह बच्चा टाई पहन के, मैं अभी यात्रा कर रहा था, सुबह सुबह 8 बजे माँ दूध, बच्चे का भैंस का दूध निकालने के बाद माँ आई है, बस आई है, बच्चा टाई लगा के बस में चढ़ रहा है और उस माँ की आंख ऐसे चमक रही है कि अब तो बच्चा अफसर होके उतरेगा इस बस से। एक छोटी समस्या है, बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, माँ इंग्लिश नहीं जानती, बाप इंग्लिश नहीं जानता, बच्चा इंग्लिश नहीं जानता और टीचर भी इंग्लिश नहीं जानता और इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन हो रहा है। आप समझिए पूरी दुनिया में होते, इस पर हम हंस भी सकते हैं, रो भी सकते हैं। दुनिया के सबसे बड़े मजाक के पीछे, हर जोक के पीछे एक ट्रेजेडी होती है। ये गांव से शहर आने वाले भी जोक्स होते हैं ना इतने ज़्यादा, हर चुटकुले के पीछे एक बहुत गहरी ट्रेजेडी होती है। इस चुटकुले पे हम हंस भी सकते हैं, रो भी सकते हैं, अगर हम उसके विक्टिम हो तो अंततः किसी को रोना भी पड़ेगा कि जहाँ टीचर को इंग्लिश नहीं आती थी वहाँ मुझे इंग्लिश में हिस्ट्री और मैथ्स और ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही थी। बताइए क्या होगा उसका? वो उत्तर जो बार बार दिए गए, भाषा के प्रश्न पे इतनी बारीक बहस इस देश में हुई आज से 60-70 साल पहले, सिंपल फॉर्मूला, बच्चे को मातृभाषा में पढ़ाइए। मातृभाषा का मतलब केवल कन्नड़ नहीं तुलु, मातृभाषा का मतलब केवल गुजराती नहीं काठियावाड़ी भी भीली भी, सब में पढ़ाइए। बच्चे को शिक्षा के पहले 5 साल उसी भाषा में मिलें जिसमें उसकी माँ उससे बोलती है। पूरी दुनिया की कॉग्निटिव साइकोलॉजी यही बात कहती है, हम सब जानते हैं करना नहीं चाहते। और उसके बाद त्रिभाषा फॉर्मूला जो देश में बना था लेकिन जिसको हिंदी भाषा भाषियों ने तोड़ दिया, सबसे पहले ही त्रिभाषा फॉर्मूला के साथ हिंसा हिंदी भाषा भाषियों ने की कि तमिल लोग सीखें हिंदी, गुजराती लोग हिंदी सीखें, मराठी लोग हिंदी सीखें, लेकिन ना मैं मराठी सीखूंगा, ना तमिल सीखूंगा, ना कन्नड़ सीखूंगा। और संस्कृत का उस आविष्कार इसलिए नहीं किया गया कि हमें किसी भी परंपरा से कोई लेना देना था, लेकिन गुजराती कन्नड़ सीखने के चक्कर से मैं मुक्त हो जाऊं, इसलिए हमने संस्कृत ला दी बीच के अंदर उसमें, और त्रिभाषा फार्मूले की हत्या कर दी गई इस देश में। तो भाषा का प्रश्न। दूसरा, भारतीयकरण, पेडागोजी में भारतीयकरण का दूसरा गंभीर अर्थ होगा कि हम उत्पादक श्रम से सीखें, काम करते हुए हस्त कौशल से सीखना, ये हमारी बहुत पुरानी परंपरा रही है। और नई तालीम की एक जो सबसे बड़ी इंसाइट है वो ये है कि आप करते हुए, लर्निंग बाय डूइंग जिसको आज की भाषा में कहा जाता है, हस्त कौशल, हाथ से काम करना आपकी शिक्षा का एक अभिन्न अंग बने। उसके साथ भी हमने मजाक कर दिया और उस मजाक का शिकार मैं हूं। इस गांधीवादी परंपरा और ज्ञान के चलते मुझे कक्षा 6, 7, 8 में खेती बाड़ी सिखाई गई, सीखी साहब मैंने खेती बाड़ी 6, 7, 8 कक्षा में, 3 वर्ष मैंने खेती बाड़ी सीखी है स्कूल में। दो ही छोटी छोटी समस्याएं थी कि स्कूल में कोई खेत नहीं था और किसी खेती बाड़ी के उपकरण को हमने आंख से नहीं देखा, और हमसे ड्राइंग बनवाते थे, फावड़े की ड्राइंग करो, ड्राइंग मेरी वैसे ही खराब थी तो फावड़े की ड्राइंग करके मैंने खेती बाड़ी सीख ली। और अगर आप मेरे केवल स्कूल पे हंसें तो मैं आपको दूसरा भी बता देता हूँ। जब मैंने एमफिल करनी शुरू की उन दिनों कंप्यूटर का बड़ा बोलबाला था, कंप्यूटर 80s का था, सब बच्चों को कंप्यूटर आना चाहिए, तो साहब हमारे को रिसर्च मेथोडोलॉजी में कंप्यूटर लगाया गया। वहाँ भी एक छोटी समस्या थी कि हमारे डिपार्टमेंट में कंप्यूटर था ही नहीं, तो कंप्यूटर को ना हमने आंख से देखा, ना कभी कीबोर्ड पे उंगली लगाई, तो फिर कंप्यूटर शिक्षा कैसे होती थी? इसके बड़े अच्छे हिंदुस्तानी फॉर्मूले हैं, डॉस का मतलब क्या है पूरा लिखो, किस तरह की विंडोज तो तब आई नहीं थी, डॉस का था, और कौन कौन सी कंप्यूटर की लैंग्वेजेस होती हैं उसकी लिस्ट बनाओ, ये करके हमारी कंप्यूटर एजुकेशन पूरी हो गई थी। बिल्कुल शुद्ध हिंदुस्तानी स्टाइल है इसके, मतलब किसी भी चीज़ को कैसे किसी अच्छे विचार की हत्या करनी है
ये आप हिंदुस्तान में आके फॉर्मूला लीजिए, आप पूरा दुनिया में सक्सेसफुली लागू करेंगे उसे। तो ये नहीं, जो वास्तव में हस्त कौशल से ज्ञान जो हासिल किया जाए वो, ये दो विचार हैं जो कि जो बेहद जरूरी है। इस मायने में भारतीयकरण का मतलब होगा पेडागोजी में, हमारी भाषा में और हस्त कौशल से इस देश में जितना ज्ञान उपलब्ध है आज, उस ज्ञान का इस्तेमाल। इस सवाल पे मैं एक मिनट में दोबारा आऊँगा, क्योंकि हमने उसको भी ख़त्म कर दिया कई तरह के ज्ञान को। इस मायने में शिक्षा के भारतीयकरण का मतलब होगा उसका डी, क्या कहना चाहिए इसे, डी फ्यूडलाइजेशन आप कह सकते हैं, डी ब्राह्मणीकरण कह सकते हैं। मगर ब्राह्मणीकरण जब मैं कह रहा हूं तो उसका ब्राह्मण जाति से कोई संबंध नहीं है। ये जो हमारे है कि ज्ञान हासिल करते वक्त कहीं आपका हाथ मैला ना हो जाए, ये ब्राह्मणवाद है इस देश का सबसे बड़ा। और ज्ञान हासिल करने के लिए आपको अपने हाथ मैले करने पड़ेंगे, ये कहना। और गांधी जी की ये जो इंसिस्टेंस थी, गांधी जी ने अस्पृश्यता के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया, उससे भी बड़ा गांधी जी का इस देश की जाति व्यवस्था पे जो हमला था वो ये था, नई तालीम इस देश की जाति व्यवस्था पे सबसे बड़ा हमला था, ये कहना कि हर व्यक्ति अपने हाथ मैले करेगा, हाथ से काम करेगा, ये बात कहना बहुत बड़ा था। ये हमारा भारतीयकरण पेडागोजी में हो सकता है। तीसरा सवाल है कैरिकुला और विषय वस्तु का, जिसमें आज जो हालत है हम सब जानते ही हैं। हमारे देश के तमाम यूनिवर्सिटी के कैरिकुलर, ये अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी की मैं बात बताता हूँ जो इस देश, फिर सोशल साइंस का उदाहरण दूंगा, इतना साइंस वाइंस पढ़ा नहीं हूँ मैं, कि अगर आप जाके कोलंबिया का, हार्वर्ड का, न्यू स्कूल का सिलेबस देख लें, तो आप मोटे तौर पे बता सकते हो कि आज से 8 साल 10 साल बाद JNU और दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो आएगा। वो प्रासंगिक है अप्रासंगिक है इससे कोई मतलब नहीं है, 8-10 साल बाद वो ज़रूर आएगा। उसके 5 साल बाद वो अहमदाबाद पहुंचेगा, वो चंडीगढ़ पहुंचेगा, और उसके 10 साल बाद वो सूरत पहुंचेगा, कुरुक्षेत्र पहुंचेगा, रोहतक पहुंचेगा। ये इस देश के सिलेबस का बिल्कुल, इस देश का सिलेबस और कैरिकुलम क्या होगा उसकी ये बिल्कुल स्टैंडर्ड प्रोसेस है जिससे बनता है। इसका हमारी ज़रूरत से कोई संबंध नहीं है। और मज़े की बात ये होती है कि जब तक वो कुरुक्षेत्र और रोहतक पहुँचता है, तब तक यूरोप और अमरीका ने उस पर हंसना शुरू कर दिया होता है, तब तक वो आउट ऑफ फैशन हो गया होता है। ये होता है, गरीब के साथ होता है। वो जब भी, जब तक वो साहब का फैशन पकड़ पाता है, तब तक साहब उस फैशन को छोड़ चुका होता है। तो वो सोचता है कि वो बड़े फैशनेबल कपड़े पहन रहा है, साहब तब भी उस पर हंसता रहता है। हमारे करिकुलम के साथ हमेशा ये हो रहा है, क्योंकि हमारा करिकुलम हमारे अपने संदर्भ से नहीं जुड़ा। जब तक आप अपने संदर्भ से नहीं जुड़े होंगे, अपनी ज़मीन से नहीं जुड़े होंगे, तो आपके साथ ये मजाक होगा ही होगा, हमेशा होगा। तो तीन अर्थ में हमें भारतीयकरण करने की ज़रूरत है अपने करिकुला का। पहला संदर्भ, दूसरा स्रोत, तीसरा मूल्य, कॉन्टेक्स्ट, सोर्सेस एंड वैल्यूज। इन तीनों का भारतीय, कॉन्टेक्स्ट वाली बात बहुत ज़रूरी है। हम भारतीयकरण की बात करते ही पता नहीं क्यों हमारे मन में कोई 5,000 साल पुराने कोई ऋषि मुनि, जो पता नहीं हुए भी होंगे या नहीं, वो हमारे दिमाग में उभर आते हैं। भारतीयकरण का सबसे पहला मतलब है कि अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आप इन छोटी छोटी बातों पे सोचिए कि जहाँ बिजली नहीं होती वो लोग फ्रिज कैसे रखें। इस देश के हर घर में दूध को, खाने को 24 घंटा बचा के रखने की ज़रूरत है। और अभी भी इस देश के बहुत हिस्से हैं जहाँ बिजली नहीं होती है। क्या ऐसा फ्रिज बन सकता है जो बगैर बिजली के चल सके? वो भारतीयकरण होगा, क्योंकि हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने संदर्भ में किसी चीज़ को बनाया है। मेरा गांव आज से 30 साल पहले 40 साल पहले बाजरा खाता था, जो ज़्यादा पौष्टिक भी था, कम पानी भी लेता था, सस्ता भी था। आज हम सब गेहूं खाते हैं, जिससे ग्लूटेन एलर्जी हो गई है मेरे गांव में, मेरे पूरे इलाके में ग्लूटेन एलर्जी बढ़ गई है। कम पौष्टिक खाना खा रहे हैं, सारा पानी अगले 3 पीढ़ियों का पी गए हम नीचे से निकाल निकाल के, और महंगा खा रहे हैं। क्या इसके बारे में हम इंटरवेंशन कर सकते हैं? ये भारतीयकरण होगा। हमारा सिलेबस, जब मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हुआ करता था
तो हमें भारत का संविधान और भारत की राजनीति दो कोर्सेज में, 16 में से दो कोर्स में समेट दी जाती थी। बाकी 14 कोर्स मुझे स्विट्जरलैंड के बारे में, स्विट्जरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते थे, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते थे, दुनिया की पता नहीं क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाती थी। और भारत मानो उसमें से एक संयोगवश एक और देश है, थोड़ा मेरे नज़दीक है तो चलो इसके भी दो कोर्स तुम्हें पढ़ा देता हूँ ना। मैं नहीं चाहता कि हम स्विट्जरलैंड ना पढ़ें, मैं नहीं चाहता कि हम अमेरिका ना पढ़ें, लेकिन उसकी दृष्टि मेरी ज़रूरत से पैदा होनी चाहिए। प्रश्न मेरे हों, उत्तर के लिए मैं पूरी दुनिया में जाने को तैयार हूँ, प्रश्न तो मेरे हों। आज इस देश में ज्ञान और शिक्षा के नाम पे जो होता है, देखिए ज्ञान हमेशा थोड़ा सा जरूरत से दो कदम अलग रहेगा। तो जैसे गाय जुगाली करती है, गुजराती में जुगाली बोलते हैं है ना, इसका कुछ अंग्रेजी का शब्द है, रूमिनेशन ऐसा कुछ होता है, जुगाली। तो ज्ञान अर्जन हमेशा जुगाली वाला काम है। आप खाते हैं, खाने के बाद धीरे धीरे उसको आप जुगाली करते हैं, उसमें से कुछ निकालते हैं। तो मैं समझता हूँ ज्ञान का एकदम आपकी ज़रूरत से सीधा रिश्ता नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा एक गैप होना चाहिए, किसी भी साहित्य में किसी में भी थोड़ा गैप होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ जो हो रहा है वो कुछ और मामला है। हमारा क्या स्थिति है, ये खाली पेट गाय बैठी हुई है जो दूसरी गाय के मुंह को देख रही है और फिर जुगाली कर रही है। ये जो है, दिस इज सो टेरिबल अबाउट आवर एजुकेशन, यू नो। और ये तब तक होगा जब तक आप आपके सामने जो घास पड़ी है उसको नहीं खाएंगे। ये आपका संदर्भ जो है, जैसा मौसम है, गर्मी है, धूल धक्कड़ है, जो है इसके भीतर आप कंप्यूटर बनाएंगे जो मान के चलेगा कि धूल तो आएगी, उस धूल के अंदर कंप्यूटर मेरा कैसे काम करेगा। मोबाइल फ़ोन जो कि 44 डिग्री के अंदर सामने ले जाने पे काम करेगा, इन सवालों पे तो संदर्भ, सारी शिक्षा को संदर्भ से, पूरे करिकुलम को। तो मैंने तो पॉलिटिकल साइंस में एक बार कहा था कि भारतीय राजनीति हमारा कोर विषय होना चाहिए, आज के भारत की राजनीति। उसकी दृष्टि से आप अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन पे जाइए, उससे आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़िए, फिर आप तय कीजिए कि आप साउथ अफ्रीका पढ़ना चाहते हैं, स्विट्जरलैंड पढ़ना चाहते हैं, तो आप साउथ अफ्रीका पढ़ना चाहेंगे, आप इंडोनेशिया पढ़ना चाहेंगे क्योंकि वहाँ से आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा। स्विट्जरलैंड से क्या सीखने को मिलेगा आपको, कुछ नहीं। तो अपनी दृष्टि हो, अपने प्रश्न हो जो हमारे संदर्भ से निकले, हमारी ज़रूरत से निकले। स्रोत, स्रोत के बारे में बहुत बहस होती है और आमतौर पर कहा जाता है कि हमें भारतीय स्रोत का इस्तेमाल करना चाहिए। सही बात है, होना चाहिए। जिस भी देश में शिक्षा हो वो उसकी जो ज्ञान के स्रोत हैं उनका इस्तेमाल करे। लेकिन ज्ञान के स्रोत केवल वो नहीं है जो संस्कृत के लिखित शास्त्रों में है। हमारे देश में लोक विद्या की महान परंपरा है। देर आर आइकोनाइज्ड फॉर्म्स ऑफ नॉलेज एंड देर आर नॉन आइकोनाइज्ड फॉर्म्स ऑफ नॉलेज। हमारी समस्या ये है कि जब हम भारतीयकरण का सोचते हैं तो सिर्फ आइकोनाइज्ड के बारे में सोचते हैं, जो संस्कृत में लिखा गया, जो टेक्स्ट में उपलब्ध है, जिस पे कुछ अच्छे मंत्र बोले जा सकते हैं वो। और जो इतना बड़ा विशद ज्ञान हमें उपलब्ध है हमारी लोक विद्या के माध्यम से, जो हमारे पॉपुलर ट्रेडिशंस हैं उसके माध्यम से, उसके बारे में कोई सोच नहीं। साधारण बात, हर व्यक्ति इस देश में जानता है, कम से कम उत्तर भारत में जानता है, कि खांसी हो, जुकाम हो, अदरक ले लो, हल्दी का इस्तेमाल करो। साधारण चीज़ें हर कोई जानता है। इस दुनिया में मेडिसिन यूरोप से आया, जिसे हम मॉडर्न मेडिसिन कहते हैं, यूरोप से आया, जिससे बहुत कुछ चीज़ें सीखने को हैं। दुर्भाग्य ये रहा कि यूरोप दुनिया का बायोडाइवर्सिटी के मामले में इस दुनिया का सबसे कमज़ोर इलाका है। ये संयोग है, मॉडर्न मेडिसिन वहाँ पैदा हुई जो कि बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से बहुत पुअर है। हम बायोडाइवर्सिटी में रिच हैं, हमारे पास मेडिसिनल प्लांट्स की इतनी अंडरस्टैंडिंग है, सैकड़ों हजारों साल की अंडरस्टैंडिंग है। सो आपने एलोपैथी ली, अच्छी बात है, आपने उनके डायग्नोस्टिक टेक्निक्स लिए, बहुत ज़रूरी बात है, आपने उनकी सर्जरी ली, अच्छी बात है, आप उनकी पैथोलॉजी से सीखना चाहते हो, बढ़िया है, उनका मेडिसिनल बेस लेने की क्या ज़रूरत है।
आपके पास इतना विशद ज्ञान उपलब्ध है मेडिसिनल प्लांट्स का, आप वहां से क्यों नहीं ड्रॉ कर सकते? मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं, कितना हमारे मतलब ज्ञान की जो हमारी संकीर्णता है, ये जो हमारे आधुनिक अंधविश्वास है, ये आधुनिक अंधविश्वास है कि किसी डॉक्टर, मेरे घर में सब डॉक्टर हैं, मेरी बहनें डॉक्टर हैं, सब डॉक्टर हैं, डॉक्टर से आप पूछिए कहते हैं छोड़ो छोड़ो ये नुस्खे, ठीक से दवाई लिया करो। हमने आधुनिकता में लोगों को कितना अंधविश्वासी बना दिया है, यू नो, सिर्फ प्राचीन अंधविश्वास हमें अंधविश्वास दिखते हैं, मॉडर्न सुपरस्टिशन हमें सुपरस्टिशन नहीं लगते। ये तो सुपरस्टिशन है ना, आपकी आंख के सामने कोई दवाई काम कर रही है और आप कहते हैं नहीं मेरी किताब में नहीं है इसलिए मैं नहीं लूंगा, है ना। तो ये जो ज्ञान की परंपराओं से सीखना, खास तौर पे लोक विद्या को आइकोनाइज करना, लोक विद्या को एक डिजिटाइज करना, लोक विद्या को एक प्रॉपर फॉर्म देना, ये सब तो भारतीयकरण का हिस्सा होना चाहिए, जिसकी बेहद जरूरत है। और अंतिम चीज मूल्य, भारतीयकरण के लिए भारतीय मूल्य, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन भारतीय मूल्य माने क्या? क्योंकि मूल्यों की जब बात होती है तो एक खास तरह के मूल्य थोपने की कोशिश की जाती है भारतीयकरण के नाम पे। एक धर्म के मूल्य, एक जाति के मूल्य पूरे देश पे लागू करने की बात होती है। इसका एक साधारण सा आंसर है और वो ये है कि इस देश में कई पवित्र ग्रंथ हैं, लेकिन एक पवित्र ग्रंथ है जो हर भारतीय को मानना जरूरी है, वो है इस देश का संविधान। इस देश के संविधान ने कुछ वैल्यूज दी, इस देश के संविधान की प्रस्तावना में कुछ वैल्यूज लिखे गए हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था को उन वैल्यूज के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा। बाकी वैल्यूज के लिए हम बहस करेंगे, ये मूल्य है नहीं है, ये आदर्श अच्छा है नहीं है, हम करेंगे, लेकिन इसके देश के संविधान में जो मूल्य दिए गए हैं वो तो कल्टीवेट करना शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य होगा ना। तो मेरे लिए ये है इंडियनाइजेशन, कैरिकुलम का इंडियनाइजेशन का मतलब ये है कि संदर्भ बदले, भारतीय हो, स्रोत में भारतीय और खासतौर पर लोक विद्या को हम लाएं और उसके मूल्य भारतीय संविधान से बंधे हों। यहाँ इंडियनाइजेशन का मतलब है डीकॉलोनाइजेशन, हमारे ज्ञान को औपनिवेशिक बोझ से मुक्त करने की जरूरत है। अब अंतिम बात, उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? आजकल इस पे बात नहीं होती है क्योंकि हम सब जानते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। शिक्षा का उद्देश्य नौकरी लेना, अब इसमें बहस की गुंजाइश क्या है ना? आप सोचिए, अगर शिक्षा का उद्देश्य नौकरी लेना था तो मान लीजिए हम सारी यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर दें, कल यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूशंस बंद कर दें, अर्थव्यवस्था तो बंद नहीं होगी, रैंडमली अलॉट कर दें लोगों को कि भाई जाओ, किस्मत अच्छी थी तुम्हें इन्फोसिस मिल गया, आपकी किस्मत कुछ और थी आपको कुछ और मिल गया, रैंडमली अलॉट कर दें सबको जॉब्स वॉब्स मिल जाएं, या जैसा इस देश का है मामला, बड़े आदमी के बेटे को बड़ी नौकरी देनी है ना, वैसे ही दे दो, बेचारे को 15 साल तकलीफ क्यों दे रहे हो, सीधा दे पकड़ा दो उसको नौकरी। हास्यास्पद बात लगेगी लेकिन इतनी हास्यास्पद है नहीं है बात। इन्फोसिस के नीलेकनी साहब से एक बार मेरी बात हो रही थी, मैंने इनसे कहा कि आप मुझे बताइए, आप जिन लोगों को रिक्रूट करते हैं उनमें से आधे तो सिविल इंजीनियर होते हैं, कोई होता है केमिकल इंजीनियर, कोई कुछ होता है, आपके कैसे काम आते हैं? उन्होंने कहा, योगेन, वैसे भी वो जो पढ़ते हैं उसका कोई फ़ायदा तो है नहीं, वो इलेक्ट्रॉनिक हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो उन्हें ट्रेन करना है, हम तो उन्हें ले जाके नए सिरे से ट्रेन करते हैं, बस हमें चाहिए कि किसी के पास इंजीनियरिंग की डिग्री हो ताकि हम बता सकें कि हाँ डिग्री वाला व्यक्ति हमारे पास है। तो आप ये कर दीजिए ना, सारी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर दीजिए। वैसे रामलाल जी के मैंने लेखन में एक बात बार बार पढ़ी, उन्होंने कहा कि डिग्री न सिर्फ क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए बल्कि स्पष्ट लिखा जाना चाहिए कि आपको नौकरी के लिए डिग्री की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैं तो फिलहाल सिर्फ एक मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ कि अगर हमें वही करना है जो आज हम कर रहे हैं तो सीधा बच्चों को 15 साल आराम से रहने दीजिए, उनकी ज़िंदगी क्यों इतनी तकलीफ में डालते हैं, लॉटरी से दे के या उसके बाप के पॉकेट को देखते हुए उसको नौकरी दे दीजिए, नौकरी के बाद जो संस्थान है वो 6 महीने में उसको सिखा देगा जो उसने करना है, क्योंकि जो करते हैं वो 6 महीने वाला ही काम करते हैं। इस देश के डॉक्टर जो करते हैं उसका
ग्रेज एनाटॉमी से कोई मतलब नहीं है, उसका मेडिसिन से कोई मतलब नहीं है, वो कंपाउंडरी करते हैं 6 महीने वाली। बेचारों को 6 महीने में सिखा दिया जाए कि भाई सर दर्द हो तो ये वाली नीले वाली दवा देनी है, फला हो तो लाल वाली गोली दे देनी है, यही तो काम करते हैं ज़्यादातर लोग, तो कर दबा दिया जाए ना। शिक्षा का उद्देश्य क्या है, इस प्रश्न पर हम बात करना भूल गए हैं। हर शिक्षण संस्थान के गेट पे एक सुंदर सा वाक्य लिखा होता है, उसको हम पढ़ते हैं, भूल जाते हैं कि वो वाक्य है भी क्या, और अंदर चले जाते हैं जो। और यहाँ शिक्षा का भारतीयकरण कुछ गंभीर हमें सिखा सकता है। ये मैंने पारिक साहब के एक लेख से कहीं पढ़ा, मुझे पहले पता नहीं था, यूनेस्को के किसी डॉक्यूमेंट में बहुत सुंदर शब्द में बताया गया है शिक्षा क्या है। 4 शिक्षा के उद्देश्य बताए गए हैं, टू नो, टू डू, टू लिव, टू बी। शिक्षा ये 4 चीज करती है। भारतीय भाषा में कहें तो शिक्षा, ये भी मैंने वहीं से लिया है, ज्ञान योग, थोड़ा सा बदल दिया आज की स्थिति के हिसाब से, ज्ञान योग, उद्योग, सहयोग और योग, ये 4 शिक्षा के उद्देश्य हैं। ज्ञान योग टू नो, कॉग्निटिव फंक्शन है शिक्षा का, आपको ज्ञान दे, सूचना नहीं। फॉर्चुनेटली अब ये सब मेमोराइज, गूगल आ गया, गूगल बाबा आने के बाद सूचना को इकट्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज्ञान, सूचना से आप अर्थ कैसे निकाल सकें, ये हमें सिखाने की ज़रूरत है। इसलिए हमें गुरु चाहिए, इसलिए हमें शिक्षण संस्था चाहिए। सूचना के लिए कुछ नहीं चाहिए। आजकल तो मैं बच्चों से बात करता हूँ, वाक्य पूरा होने से पहले मेरा 14 साल का बेटा गूगल पर सर्च करके मुझे दिखा देता है, कहता है कि क्यों बोल रहे हो, तो मुझे पता है ना। तो पहला है ज्ञान योग, दूसरा है उद्योग, ये इसका भारतीयकरण या हमारी भाषा में कहने का काम विनोबा भावे ने किया था, ये शब्द उनके लिए हुए हैं। उद्योग, हाथ से काम करके कुछ सीखना, कुछ काम करने लायक बनना, समाज की जिसको ज़रूरत है समाज को देना, और उस उद्योग के माध्यम से आपको स्किल्स आती हैं, जिसे अमर्त्य सेन कैपेबिलिटीज़ बोलते हैं। शिक्षा कैपेबिलिटीज़ के लिए है, सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं है, और वो कैपेबिलिटी जो आपको लाइफ स्किल्स देती हैं। तीसरा, सहयोग, टू लिव विद नेचर, टू लिव विद कम्युनिटी, इन दोनों के साथ जीना सिखाती है। आप सिर्फ जंगल में विचरते हुए जानवर नहीं हो, जो पहला व्यक्ति जो मिले उसका भक्षण कर ले, है ना, आपको सबके साथ जीना है ना? हम जानवरों पे हंस लेते हैं, लेकिन जो प्रकृति के साथ हम कर रहे हैं वो तो जानवरों से भी बुरा है। कोई जानवर ऐसा नहीं करता जो आज हम प्रकृति के साथ कर रहे हैं। जानवर समझदार होते हैं, क्या खाना है और क्या छोड़ना है उसको कुछ सेंस होती है। ये सिर्फ इंसान नामक जानवर है जिसको कोई सेंस नहीं है कि क्या खाना है और क्या छोड़ना है। मराठवाड़ा में हम 1000 फुट नीचे ड्रिल करके पानी पी रहे हैं, तो मैंने कहा हम तो, आप अपने बच्चों और पोतों का नहीं, अपने से 10वीं पीढ़ी का पानी पी रहे हो इस वक्त आप। केवल इंसान नामक जानवर है जिसको ये समझ नहीं है। तो ये एक टू लिव विद नेचर, टू लिव विद कम्युनिटी, एक दूसरे के साथ, एंड टू बी, आत्मज्ञान। योग अंततः वही है, आप अपने आप को जाने, रिफ्लेक्सिविटी। हमारी शिक्षा का जो सबसे बड़ा दोष है वो ये है कि शिक्षा हमारे अंतर मन को छू नहीं जाती। शिक्षित व्यक्ति के मन में ठीक वही विचार, वही पूर्वाग्रह, वही कूड़ा उसके अंदर है, बस उस कूड़े की अभिव्यक्ति का औजार उसके पास आ गया है। गांव वाले व्यक्ति के मन में यही पूर्वाग्रह है, अनपढ़ व्यक्ति के मन में, लेकिन अनपढ़ व्यक्ति के मन में संदेह है कि मैं अनपढ़ हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, इसलिए उसका पूर्वाग्रह दबा हुआ है। जो शिक्षा और डिग्री लेके आता है, जो IIT IIM जाता है, पूर्वाग्रह उसका भी ठीक वही है, औरतों के बारे में उसी तरह की वाहियात बातें करता है जब 4 आदमी मिलके बैठते हैं, दलित के बारे में, मुसलमान के बारे में उसी तरह के पूर्वाग्रह। हाथ में तलवार और आ गई है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है। हमारी शिक्षा हमारे अंतर मन को छू नहीं जाती, हमारे सेल्फ, जो एक रिफ्लेक्सिविटी शिक्षा में होनी चाहिए, अपने भीतर झांकना। ज्ञान क्या है, मुझसे कोई पूछे, मैं बार बार कहता हूँ, ये जानना कि मुझे क्या पता नहीं है, ये ज्ञान है।
और हमारी शिक्षा व्यवस्था ये नहीं देती और सब कुछ दे देती है, अहंकार दे देती है कि तुम्हें चार चीज़ें पता हैं, पांच डेफिनेशन पता है, तीन यूरोपियन लोगों की कोटेशन सुना सकते हो। मुझे क्या पता नहीं है, जिसे जितनी स्पष्टता से ये पता होगा कि उसे क्या नहीं पता, उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। और ये बात हमें शिक्षा व्यवस्था नहीं दे रही है आज। सो कर्म योग, ज्ञान योग, उद्योग, सहयोग, योग, इस सोच पे हमारी भारतीयकरण का क्या मतलब होगा? भारतीयकरण का ये तो मतलब नहीं हो सकता कि ये विचार हमने ही दिए, दुनिया में कहीं से नहीं आए। लेकिन इसमें कुछ हमने बहुत सुंदर दिया है। इसमें भारतीयकरण का मतलब होगा एक सच्चा वैश्वीकरण, जो केवल यूरोपीयकरण को वैश्वीकरण हम न कहें, पूरी दुनिया के विचारों से एक दुनिया बने जिसमें हमारा भी एक अंशदान रहे। और आप मुझसे पूछें कि भारतीयकरण का सूत्र क्या है इसमें, तो मैं यही कहूँगा, इतना सुंदर, सा विद्या या विमुक्त है। इससे सुंदर बात शिक्षा के उद्देश्य के बारे में हो नहीं सकती। गांधी जी ने जो कहा था, गॉड इज ट्रूथ को पलट के गांधी जी ने कहा था, ट्रूथ इज गॉड। शिक्षा मुक्त करती है ये नहीं, जो मुक्त करे वो शिक्षा है। ऐसी भारतीयकरण, या आप यूं कहिए भारतीयकरण के बहाने जो मैं बात कह रहा था, वो शिक्षा में स्वराज है। ये है शिक्षा में स्वराज। शायद इसी स्वराज की कल्पना रामलाल पारिख जी ने की थी, और उन्हें श्रद्धांजलि पेश करने का शायद यही सबसे सुंदर तरीका है। धन्यवाद।